गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सब राइटर के इस मॉड्यूल को सही प्रकार से सीखे होंगे, क्योंकि राइटर का पहला मॉड्यूल यहीं पर पूरा होता है। अगले कक्षा में आप सबका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। आज की कक्षा में आप सभी राइटर के पहले मॉड्यूल में जो सिखाया गया है, उन सभी ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन का रिवीजन करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं राइटर किस सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है और इसका दूसरा नाम क्या है? राइटर ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है और इसका दूसरा नाम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। क्या आप बता सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है और इसका उपयोग क्यों करते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार्स एक ऐसा तरीका होता है जिसमें सभी मेनूज के सब मेनू उपलब्ध रहते हैं जिनका हम सीधे उपयोग कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार से क्या होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार भी एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट अथवा पैराग्राफ में कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट या पैराग्राफ की राइटिंग चेंज करना, साइज को छोटा या बड़ा करना, टेक्स्ट या पैराग्राफ का कलर चेंज करना, अंडरलाइन करना, बोल्ड और इटैलिक करना इत्यादि। अब आप कंप्यूटर को ऑन करें और राइटर की फाइल को ओपन करें। क्या आपने फाइल ओपन कर लिया है या नहीं? अगर नहीं तो आप बताए गए तरीके से फाइल को ओपन करना सीखें। सबसे पहले आप डेस्कटॉप पर ओपन ऑफिस लिखे फाइल अथवा उसके सिंबल को ढूंढना होगा, जैसे कि सामने वीडियो में दिखाया गया है। अब ऐसे ही सिंबल अपने डेस्कटॉप पर ढूंढें और उस पर अपने माउस या टचपैड के द्वारा पॉइंटर को लेकर जाएं और वहां पर लेफ्ट बटन से एक साथ में दो बार क्लिक करें। फिर आपके सामने दिखाए जा रहे वीडियो की तरह एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए उस पर एक बार लेफ्ट बटन से क्लिक करें, जिससे कि आपकी ओपन ऑफिस राइटर की फाइल ओपन हो जाएगी। आइए जानते हैं कि आज की कक्षा में क्या रिवीजन करेंगे। आप सब फाइल और एडिट मेनूज बार के ऑप्शन का रिवीजन करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि फाइल और एडिट मेनू के अंदर कौन-कौन से ऑप्शन आपने सीख लिया है? फाइल के अंदर आप सबने न्यू, ओपन, रिसेंट डॉक्यूमेंट, सेव, सेव एस, क्लोज, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन को सीखा है। एडिट के अंदर आप सबने अंडू, रिडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस को सीखा है। आइए अब आज की कक्षा शुरू करते हैं। क्या आप सभी ने राइटर की फाइल को ओपन कर लिया है? अब आप सब सामने दिए गए लाइन या पैराग्राफ को टाइप करें। क्या आप बता सकते हैं कॉपी और पेस्ट क्या होता है और इसके लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करते हैं? राइटर के अंदर कॉपी और पेस्ट का मतलब होता है दिए गए लाइन या पैराग्राफ को एक से ज्यादा जगह पर उस लाइन या पैराग्राफ को लाने के लिए कॉपी और पेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप सब शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस सी, जो कि कॉपी के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए होता है। अब आप सब कॉपी पेस्ट का प्रयोग करें। सबसे पहले आप सब इस लाइन को कॉपी करें और 10 बार इसे पेस्ट करें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी ने अभी एक लाइन टाइप किया, अब इस लाइन को आप सभी को कॉपी पेस्ट करना है 10 बार। तो इसके लिए आप सभी इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इसे टचपैड या माउस के द्वारा या शिफ्ट के साथ एरो की का उपयोग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप कॉपी करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कॉपी के लिए दो तरीके से किया जा सकता है। पहला शॉर्टकट कमांड और दूसरा एडिट
ऑप्शन पर जाके कॉपी लिखे हुए पे। जब आप कॉपी करेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ नहीं हुआ, पर उसे पेस्ट करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में एक और लाइन आएगा। तो अभी आपने कॉपी किया तो कुछ नहीं हुआ, कॉपी के लिए कमांड होता है Ctrl+C का उपयोग करें और फिर पेस्ट करें। जब आप एक बार पेस्ट का बटन दबाएंगे या Ctrl+V प्रेस करेंगे तो जो सेलेक्ट हुआ है आपका लाइन वह हट जाएगा, और फिर जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो एक और लाइन ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको नीचे की तरफ लाइन को पेस्ट करना है। तो जैसे अभी सामने लाइन आया हुआ है, इस लाइन को हटाने के लिए आप अंडू का उपयोग करेंगे जिससे कि यह लाइन हट जाएगा, और उसके बाद एंटर बटन का उपयोग करेंगे। जैसे ही आप एंटर बटन का उपयोग करेंगे आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, उसके बाद आप पेस्ट का कमांड का उपयोग करेंगे। फिर इसी तरह से एंटर बटन का उपयोग करें, पेस्ट का कमांड उपयोग करें, फिर एंटर बटन दबाएं, Ctrl+V प्रेस करें, एक और लाइन आएगी, फिर एंटर बटन दबाएं, Ctrl+V का प्रयोग करें, एक और लाइन पेस्ट हो जाएगी, फिर एंटर बटन का उपयोग करें, Ctrl+V प्रेस करें, एक और लाइन आ जाएगी। इस तरह से आपको 10 लाइन को पेस्ट करना है। तो यह होता है कॉपी पेस्ट। इस तरह से आप कॉपी पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। अब आपके राइटर के पेज पर बहुत सी लाइन हो गई होंगी, इन लाइन से एक एक करके फॉर्मेटिंग करें। आइए अब वीडियो को देखकर इस लाइन पर जो आपने कॉपी पेस्ट किया है इन पर फॉर्मेटिंग करते हैं। आप जैसे वीडियो में देख रहे होंगे, आप सभी एक लाइन को सेलेक्ट करें, और उसके राइटिंग को चेंज करें जैसे कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। आप सभी कोई सा भी इसमें से राइटिंग जो आपको अच्छा लगे ले सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं। फिर आप अब दूसरे लाइन को सिलेक्ट करें फिर अब इसे इटैलिक कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, या अंडरलाइन कर दें, इटैलिक अंडरलाइन दोनों साथ में। अब तीसरे लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि आप सभी वीडियो में ध्यान से देख रहे होंगे कि अभी तक 3 लाइन सेलेक्ट की गई है। तीनों लाइन को अलग अलग मेथड के द्वारा सेलेक्ट किया गया है, जैसे पहले लाइन को टचपैड के द्वारा, दूसरी लाइन को की एरो कीज के द्वारा, और तीसरी लाइन को भी एरो कीज के द्वारा, और इस पे राइट अलाइनमेंट कर दें। फिर चौथे लाइन को सेलेक्ट करें और अब इसे इसके फॉन्ट कलर को चेंज करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और इसे बोल्ड कर दें। फिर अब फिर नेक्स्ट लाइन को सेलेक्ट करें, अब इसको हाईलाइट करें जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उसके बाद इसे सेंटर में कर दें। फिर अगली लाइन को सेलेक्ट करें और फिर बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दें। और फिर इस लाइन को सेलेक्ट करें और राइटिंग के साइज को बड़ा करें। फिर अगले लाइन को सेलेक्ट करें और अब राइटिंग के साइज को छोटा करें। तो इस तरह से आप सभी किसी भी लाइन या पैराग्राफ जो आप टाइप करेंगे उस पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब आप सब अंडू और रीडू का रिवीजन करेंगे। क्या आप सभी बता सकते हैं कि
कि अंडू और रीडू का प्रयोग क्यों और कैसे करते हैं। अंडू का प्रयोग हम राइटर के अंदर इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आप सब टाइप किए हुए टेक्स्ट को या राइटर के पेज पर कोई सा भी फॉर्मेटिंग आपने किया हो उसे आप सब अंडू के द्वारा हटा सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस जेड होता है। रीडू के द्वारा आप सब टाइप किए हुए टेक्स्ट या कोई सा भी फॉर्मेटिंग जिसे आप सब ने अंडू के द्वारा हटाया या डिलीट कर दिया है उसे आप सब रीडू के द्वारा ला सकते हैं। रीडू के लिए आप सब शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग करते हैं। अब आप सभी अंडू और रीडू का प्रयोग करें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अंडू रीडू कैसे करते हैं। अभी आप सब ने फॉर्मेटिंग किया, अब आप सभी अंडू करेंगे। अंडू आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक शॉर्टकट कमांड के द्वारा और दूसरा मेनू बार के एडिट ऑप्शन पर जाके अंडू कर सकते हैं। अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस जेड होता है। जैसे आप अंडू का उपयोग करेंगे आप देखेंगे कि आपकी लाइन एक एक करके ठीक होती जाएंगी, जैसे पहले नॉर्मल व्यू में थी। इस तरह से आप अंडू कर सकते हैं, अंडू के शॉर्टकट कमांड कंट्रोल जेड का उपयोग करेंगे। अब आप दूसरे तरीके से अंडू को करेंगे, एडिट के ऑप्शन पर लेकर आए और अंडू लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करें, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आपकी एक एक लाइन ठीक होती चली जाएंगी, जैसे पहले नॉर्मल व्यू में थी। फिर एडिट पर लेकर आए, अंडू पे क्लिक कर दें, एडिट पे पॉइंटर लेकर आए, अंडू पे क्लिक कर दें, एडिट पे लेकर आए, अंडू पे क्लिक कर दें, तो यह आपकी लाइन ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आपने अंडू करके अपने लाइन को जो भी फॉर्मेटिंग किया था उनको ठीक किया था। अब अगर आपको पहले जैसा चाहिए, जैसे आपकी सारी फॉर्मेटिंग थी, तो आप उसके लिए रीडू का उपयोग करेंगे। रीडू भी आप सभी दो तरीके से कर सकते हैं, एक यहाँ से जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, एडिट ऑप्शन पे जाके रीडू पे क्लिक करेंगे तो आपकी पहली लाइन ठीक होगी। फिर आप एडिट पे जाएंगे, रीडू पे क्लिक कर देंगे, दूसरी लाइन ठीक हो जाएगी। फिर एडिट पे क्लिक करेंगे, अब ये तीसरी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। फिर रीडू पे क्लिक करेंगे, अब चौथी लाइन। फिर रीडू पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर अब रीडू पे क्लिक करेंगे, ऐसे हो जाएगा। आप इस तरह से रीडू को कर सकते हैं। अब आप शॉर्टकट कमांड का उपयोग करें, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वाई होता है। कंट्रोल वाई को प्रेस करते जाएं, आपकी एक एक लाइन ठीक होती जाएगी, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप अंडू और रीडू का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब फाइंड एंड रिप्लेस का रिवीजन करते हैं। क्या बता सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग क्यों करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग दो अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। फाइंड से हम अपने राइटर के डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को जो हमने टाइप किया है उसे ढूंढ सकते हैं। रिप्लेस से आप सब अपने राइटर के डॉक्यूमेंट में टाइप किए हुए वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आप सब शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग करते हैं। वीडियो देखकर फाइंड एंड रिप्लेस का अभ्यास करें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग कैसे करते हैं। आप सभी फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक शॉर्टकट कमांड के द्वारा जो कि कंट्रोल प्लस एफ होता है, और दूसरा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को एडिट लिखे हुए मेनू बार के ऑप्शन पर लेकर आए और यहाँ पे क्लिक करें। एक बॉक्स ओपन होगा, इस बॉक्स के अंदर आपको अपने पॉइंटर को फाइंड एंड रिप्लेस लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आना है और क्लिक कर देना है, जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर
आपको सर्च फॉर लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लाना है और इस बॉक्स के अंदर उस टेक्स्ट को टाइप करना है जिसे आपको फाइंड करना है, यानी कि ढूंढना है। जैसे मान लीजिए आपको अपने इस डॉक्यूमेंट में इंडिया सर्च करना है, तो आप इंडिया को टाइप करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप अपने पॉइंटर को सामने फाइंड या फाइंड ऑल लिखे हुए ऑप्शन में से किसी एक को चूज करेंगे। अगर आप फाइंड करते हैं तो आप एक एक करके अपने टेक्स्ट को ढूंढ पाएंगे। अगर फाइंड ऑल लिखे हुए पे क्लिक करते हैं तो एक साथ में ही जितने भी आपके टेक्स्ट होंगे आपके डॉक्यूमेंट में उन्हें फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हमने फाइंड पे क्लिक किया तो एक इंडिया यानी कि एक टेक्स्ट को हाईलाइट किया, दोबारा क्लिक किया तो दूसरे को, अगली बार क्लिक किया तो तीसरा, एक एक करके जितनी बार आप क्लिक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट में उस टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा, और फाइंड ऑल पे क्लिक कर देंगे तो एक ही बार में जितना आपके डॉक्यूमेंट में वह टेक्स्ट होगा जिसे आप फाइंड कर रहे हैं उन सबको हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। आइए अब रिप्लेस करना सीखते हैं। अभी आपने फाइंड करना सीखा था, अब आप रिप्लेस करना सीखेंगे। रिप्लेस करने के लिए भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक शॉर्टकट कमांड द्वारा और दूसरा जैसे आपको वीडियो में फाइंड करने के लिए बताया गया है। आप शॉर्टकट कमांड Ctrl+F का उपयोग करें तो एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस बॉक्स के अंदर आपको सर्च फॉर में उस टेक्स्ट को टाइप करना है जिसे आपको हटाना है, यानी कि आपको इस बॉक्स के अंदर उसी टेक्स्ट को टाइप करना है जिसे आपको हटाना है, उसे हटाकर कोई और वर्ड उसकी जगह रखना है। अब इस बॉक्स के अंदर आप उस वर्ड को टाइप करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें इंडिया को टाइप करने के बाद उसे रिप्लेस करके किसी और वर्ड को रखना है। तो अब हम रिप्लेस विथ के टेक्स्ट के अंदर या बॉक्स के अंदर किसी दूसरे टेक्स्ट को टाइप करेंगे जिसे हमें रखना है। इसके बाद अब आप सभी यहाँ पे ध्यान दें कि सर्च फॉर वाले बॉक्स के अंदर आपको उस टेक्स्ट को टाइप करना है जिसे आपको हटाना है, और रिप्लेस विथ में उस वर्ड को टाइप करना है जिसे सर्च फॉर के बॉक्स के अंदर से हटा के रिप्लेस करना है। इसके बाद आप सभी अपने पॉइंटर को रिप्लेस पे लेकर आएंगे। इसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट में एक एक करके वर्ड को रिप्लेस करेंगे, और जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है एक एक करके रिप्लेस हो रहा है वर्ड, और जैसे आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट में सारे वर्ड एक साथ ही रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सब सेव और सेव एज के बारे में रिवीजन करेंगे। सेव से हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। सेव का उपयोग हम अपने डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट कमांड Ctrl+S होता है। अब आप इसी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करें। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस फाइल को कैसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के फाइल ऑप्शन पर लेकर आएंगे या शॉर्टकट कमांड Ctrl+S का उपयोग करेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने पॉइंटर को फाइल लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक कर दें और सेव लिखे हुए ऑप्शन पर पॉइंटर को लेकर आए और फिर लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी को आप अपने फाइल का नाम लिख सकते हैं
जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप सभी अपने फाइल का नाम टाइप करें, आपको जो भी टाइप करना है। अपने फाइल का नाम टाइप करने के बाद सेव लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपकी यह फाइल सेव हो जाएगी। अब आप टाइटल बार पर पॉइंटर को लेकर आएं और देख सकते हैं कि आपकी फाइल जिस नाम से सेव किया है वो टाइटल बार में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फाइल को सेव एज कैसे करते हैं। जैसे आप सभी देख रहे होंगे वीडियो में कि आपको इस फाइल के अंदर दोबारा से टाइप करना है, और टाइप करने के बाद जब आप इसे सेव करेंगे तो सेव एज करेंगे। सेव एज करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को फाइल लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और फिर सेव एज पर क्लिक कर दें, जिससे कि यह बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर अब आप इस फाइल को जिस नाम से सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। दोबारा से सेव एज से आप अपने फाइल के लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आपकी यह फाइल सेव हो जाएगी। अब इसे देखने के लिए आप टाइटल बार में चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको फाइल का नाम दिया गया है। इस तरह से आप सेव एज कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का उपयोग क्यों और कैसे करते हैं? एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का प्रयोग राइटर के डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। हम राइटर की फाइल को पीडीएफ फाइल में क्यों बदलते हैं? राइटर की फाइल को पीडीएफ में इसलिए बदलते हैं क्योंकि पीडीएफ में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अब वीडियो देखकर आप सब एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का अभ्यास करें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि राइटर के फाइल को पीडीएफ के फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के फाइल लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और फिर इस बॉक्स के अंदर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक करें, जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है यहाँ पे, और उसके बाद एक्सपोर्ट लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आप सभी अपने फाइल का नाम देंगे, जिससे कि यह आपका फाइल पीडीएफ में सेव हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आपको इस फाइल को भी डेस्कटॉप पे सेव करना है। फाइल के नाम देने के बाद आप इस फाइल को जैसे एड्रेस बार के द्वारा कहीं भी सेव कर सकते हैं, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से और भी नीचे लेके आप देख सकते हैं आपको कंप्यूटर के कौन से लोकेशन पर रखना है, डी ड्राइव में या सी ड्राइव में। लोकेशन को चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपको इस फाइल को अभी डेस्कटॉप पे सेव करना है, इसलिए आप डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे और फिर सेव लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि अब आपकी यह फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं कि यह आपकी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हुई है या नहीं। अब इस फाइल को मिनिमाइज कीजिए और अपने डेस्कटॉप पे देखिए कि जिस नाम से इस फाइल को सेव किया है उस नाम की एक फाइल है या नहीं। उसके बाद आप इस फाइल को ओपन करें, इस पे पॉइंटर को रखें और डबल क्लिक कर दें, जिससे कि यह फाइल ओपन हो जाएगी। अब इस फाइल के अंदर आप कुछ भी टाइप करें, टाइप नहीं होगी। तो यह पीडीएफ का फायदा होता है कि आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी दोबारा से चीज टाइप नहीं कर सकते हैं।
राइटर में आप टाइप कर सकते हैं पर पीडीएफ में नहीं। इस तरह से आप पीडीएफ का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट से क्या होता है? रिसेंट डॉक्यूमेंट से हम उन फाइल्स के बारे में जान सकते हैं जिन्हें कुछ समय पहले ओपन किया हो या सेव किया हो। अब आप सब न्यू और ओपन के बारे में बताएं। न्यू से हम अपने राइटर का नया पेज ले सकते हैं, इसके लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एन होता है। ओपन से हम अपने सेव की हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं, इसके लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस ओ होता है। अब आप सब क्लोज के बारे में बताएं कि क्या होता है। क्लोज से हम अपने राइटर की फाइल को क्लोज कर सकते हैं या फाइल को बंद कर सकते हैं। क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, आप अपने फाइल को क्लोज करें और कंप्यूटर को शटडाउन करें। आज की कक्षा में आप सबने फाइल और एडिट के ऑप्शन का रिवीजन किया जो आप सबने सीखा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी उपस्थित रहें, नहीं तो आप अगले मॉड्यूल में नहीं जा सकते हैं।